हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शुरू में बात करने वाले RH 200 फ्लेक्स फ्यूल A20 वाली बाइक का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आपको पता है दोस्तों, आजकल जो बाइक्स हैं उनका प्राइस इतना ज़्यादा हो चुका है कि उन बाइक को भाई कैश में खरीदना आसान बात नहीं होती है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, प्राइस हर बाइक का काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को बाइक में कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में प्लस डॉक्यूमेंट डिटेल्स के बारे में भी आपको क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो काफ़ी काम आने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप नहीं यार डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है बाइक फाइनेंस कराने के लिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड आज की डेट में हर किसी के पास होता है, ऑब्वियसली बात है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जी दोस्तों, पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको 6 मंथ की बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी लगेगी। ध्यान रखिए, फ़ोटो कॉपी वो वाली होनी चाहिए जिसमें आपकी सैलरी आती है, जी हाँ, जिसमें आपकी सैलरी आती है वो वाली फ़ोटो कॉपी लगेगी, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से इतने पैसे कमाता हूँ। उसके बाद 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको 2-3 साइन कराने के बाद आपकी जो बाइक है वो आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए आज के इस वीडियो में कि RS का प्राइस क्या है। दोस्तों, RS 200 एक्सरूम प्राइस अराउंड 173,000, 173,000 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। यह बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ लगभग 2,06,000 रुपीज़, 2,06,000 रुपए के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों डाउन पेमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो में डाउन पेमेंट लिया हुआ है 66,000, जी हाँ, 66,000 रुपये जो आप DP देंगे, यानी कि पहले आप पैसे देंगे 66,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों ने 66,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया, अब हमारा बचा अमाउंट कितना है, 1,40,000 रुपये। अब 1,40,000 में हमें प्रोसेसिंग फीस प्लस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, कभी भी बाइक फाइनेंस करा रहे तो प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि लगभग 10,000 रुपये के आसपास का होगा। 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस प्लस करेंगे, अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। अब दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज़ अगर हम फाइनेंस करा रहे हैं तो भाई हमें उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी तो वो कंपनी हमें फाइनेंस करके देगी, वरना हमें फाइनेंस करके क्यों देगी, ऑब्वियसली बात है। तो दोस्तों इंटरेस्ट हमें उन्हें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और आपकी सैलरी स्लिप पर, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है, 1,50,000 का 10% निकालोगे तो 15,000 रुपये, ध्यान रखिए, आपके एक साल का इंटरेस्ट है, जी हाँ, ध्यान रखिए, 15,000 कितने साल का इंटरेस्ट है, एक साल का इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को एक साल के लिए ही फाइनेंस करा रहे हो, तो एक साल के लिए अगर आप फाइनेंस करा रहे हो तो दोस्तों 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप एक साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो 15,000 रुपये, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,65,000 रुपये। अब 1,65,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी लगभग 13,750 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 इंटू 2 कर दीजिए तो 30,000, 30,000 रुपये जो आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 1,50,000 में 30,000 रुपये प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये। 1,80,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI आएगी लगभग 7,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 इंटू 3 कर दीजिए तो 45,000, 45,000 रुपये जो आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 1,50,000 में 45,000 रुपये प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,95,000 रुपये। 1,95,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,416 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 3 सालों तक, ठीक है। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू RH 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।